नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के नए और बड़े कदमों के बारे में जो ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठाए गए हैं। मुकेश अंबानी जी का सपना है दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी प्रोवाइडर कंपनी बनाने का। सबसे पहले बात करते हैं जामनगर और बाराबंकी में सेटअप की गई कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट्स की। रिलायंस का टारगेट है अगले 5 सालों में 100 CBG प्लांट्स एस्टैब्लिश करने का। ये प्लांट्स 5.5 मिलियन टन एग्रो रेसिड्यू और ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो हर साल 2 मिलियन टन कार्बन एमिशंस को कम करेगा और 2.5 मिलियन टन ऑर्गेनिक मैनिक्योर प्रोड्यूस करेगा। रिलायंस एंड टू एंड सोलर फोटोवोल्टेक्स PV इकोसिस्टम भी सेटअप कर रहा है, जहां एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर गीगा फैक्ट्री बनाई जा रही है। ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे एडवांस्ड और कॉस्ट कॉम्पिटेटिव सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने वाली है। फ्यूल सेल गीगा फैक्ट्री सेटअप की जा रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन के लिए काम करेगी। इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री में मॉड्यूलर इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाए जाएंगे, जो हाईएस्ट एफिशिएंसी और लोएस्ट कैपिटल कॉस्ट के साथ आएंगे। रिलायंस इज मेकिंग श्योर कि क्लीन एनर्जी सबके लिए एक्सेसिबल हो।